बाइबल वर्सेस फॉर सक्सेस लाइफ, सफल जीवन के लिए 10 बाइबल वचन। पार्ट 2, व्यवस्था विवरण 8:18 में यह वचन है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह उस वाचा को पूरा करने की सत्यता से संबंधित है जो उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी और जो आज हमारे सामर्थ्य में प्रकट होती है। हमें परमेश्वर का ध्यान रखकर और उसके वचनों का पालन करके अपने जीवन को उसके आशीर्वाद और संपत्ति के लिए तैयार रखना चाहिए। भजन संहिता 37:4 में यह वचन है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल मानना चाहिए, अर्थात हमें उसके प्रति आनंद और संतुष्टि के साथ रहना चाहिए। जब हम यहोवा में प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वह हमारे मनोरथों को पूरा करता है। यह अर्थात वह हमारे मन की इच्छाओं को साकार करता है और हमें उन्नति और सफलता में सहायता करता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यहोवा हमारी चिंताओं को ध्यान में रखता है और हमें अपनी दया से संतुष्टि प्रदान करता है। नीति वचन 3:1-4 में यह वचन है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने पिता की शिक्षा को याद रखना चाहिए और उनकी आज्ञाओं को अपने हृदय में संभाले रखना चाहिए। इसका पालन करने से हमारी आयु बढ़ती है और हम अधिक कुशलता से जीने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हमें कृपा और सत्यता को अपने जीवन से नहीं अलग करना चाहिए, उन्हें अपने गले की माला बनाकर और अपने हृदय की पट्टियों पर लिखकर हमेशा धारण करना चाहिए। इस प्रकार हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं और हम अत्यंत बुद्धिमान बन जाते हैं। फिलिप्पियों 4:17 में यह वचन है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यह वचन पौलुस द्वारा लिखे गए पत्र में है, जहां उन्होंने फिलिप्पी के लोगों को अपने संगठनित धार्मिक सेवाओं के लिए धनराशि दी है। पौलुस यहां बता रहे हैं कि वह दान नहीं चाहता है ताकि उसे कोई आत्मसंतोष मिले, बल्कि उसकी इच्छा है कि उन्हें उस दान का फल मिले जो उनके लाभ के लिए बढ़ता जाए। यहां पौलुस अपने दान के मूल्य को बढ़ाने और एक उदाहरण साधारित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह दान तब किया था जब वे आवश्यकता में थे और उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत थी। पौलुस की यह इच्छा है कि उनका दान फिलिप्पी के लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करें और उन्हें लाभ प्रदान करें। यह वचन हमें एक सच्चे और सही दान के महत्व को बताता है जो अपने स्वार्थ से परे होता है और दूसरों के लाभ के लिए बढ़ता है। मत्ती 6:33 में यह वचन है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यह वचन स्पष्ट करता है कि हमें प्रथमतः परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वह हमें अपनी ओर सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की वस्तुएं भी प्रदान करता है। यह हमें सच्ची सफलता की प्राप्ति के लिए संकेत करता है जो आंतरिक और बाह्य रूप से आपूर्ति, सुरक्षा और संपूर्णता को समावेश करती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।